सत श्रीकाल, मैं डॉक्टर मनमीत कौर, SPS हॉस्पिटल्स लुधियाना तो सीनियर मैनेजर फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट। मैं अज थोड़े नाल फिजियोथेरेपी की एक टेक्निक शेयर करना चाहांगी जिदा नाम हुंदा है रिलैक्सेशन थेरेपी। एक काफ़ी अजकल डिमांडिंग थेरेपी है जिदे विच की है जिवें कि नाओडेज तुसी सुनिया होएगा कि स्ट्रैस लैवल बहुत ज़्यादा वध रहा है, एनजाइटी बहुत वध रही है, ऑटो इम्यून डिसीजेज़ होंदियां ने जिदा कि ल्यूपस हो गया, SLE हो गया, रियोमेटॉइड आर्थराइटिस वर्गिया डिसीजेज़ हो गई। इन्हां कंडीशनस दे विच पेशेंट दा स्ट्रैस लैवल दे कारण मसल्स बॉडी दे इन्ने ज़्यादा टाइट हो जाते हैं कि पेशेंट नूं सारा टाइम हमेशा पेन ही फील होंदी रहिंदी है, कभी नैक च, बैक च, ईवन वो कोई एक्सरे कराए, MRI कराए, कोई जॉइंट्स दे विच प्रॉब्लम नहीं होंदी, वो जस्ट मसल्स पेन होंदियां ने जस्ट बिकॉज ऑफ स्ट्रैस। सो उन्हों मैनेज करन वास्ते थानू रूमेटोलॉजिकल डॉक्टर्स या ऑर्थोपेडिशियंस डॉक्टर्स मेडिसिनस दे नाल हेल्प कर सकते हैं। कुछ समय बाद थानू मेडिसिन दे नाल नाल की है वो प्रिस्क्राइब करते हैं कि तुसी रिलैक्सेशन थेरेपी स्टार्ट करो ताकि थोड़े डोजेस घट कर सकन मेडिसिन दे। सो उस थेरेपी दे विच असीं काफ़ी एक्सरसाइजिज कराने पेशेंट नूं जिदे विच की हुंदा है कि एक साइलेंट रूम होएगा जिदे विच असीं लाइट्स बहुत डिम रखियां हुंदियां ने, पिछे बैकग्राउंड ते हल्का जिहा म्यूजिक हुंदा है, एंड पेशेंट नूं बहुत ही लाइट स्ट्रैचिंग्स, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, उस तो बिना कुछ मैनुअल टेक्निक्स हुंदियां ने जो कि फिजियोथेरेपिस्ट खुद करवा के बॉडी नूं रिलैक्स करन च हेल्प करदे ने। इहदे नाल नाल इहदे विच कुछ मेडिटेशन या टेक्निक्स ऐड कर सकते हैं। इन्हां सारियां दे नाल पेशेंट नूं काफ़ी स्ट्रैस रिलीफ हो जाता है। ईवन आफ्टर 1 month रेगुलर मेडिटेशंस एंड रिलैक्सेशन थेरेपी दे नाल काफ़ी गुड रिजल्ट देखे जाते हैं कि जो नंबर ऑफ पेन्स सीगियां वो काफ़ी डिक्रीज कर दियां ने, इहदियां काफ़ी स्टडीज़ आ रही ने। सो स्ट्रैस लैवल नूं घट करन दे नाल की है कि जो मसल्स पेन्स ने वो भी रिड्यूस हो रहा है, तो इहदे नाल नाल सब तो इंपोर्टेंट चीज़ होंदी है स्लीप लैना, जिन्हां नूं बहुत ज़्यादा जॉइंट पेन्स, मसल्स पेन्स रहिंदे ने एंड एनजाइटी बहुत है या स्ट्रैस बहुत लैंदे ने, उन्हां नूं एटलीस्ट अपना 6 to 8 hours का जो स्लीप साइकिल है वो जरूर अपना कंप्लीट लेना चाहिए है। अदरवाइज जो है कि ये प्रॉब्लम कभी सैटल नहीं हो पाती। सो पेशेंट जो है कि वो जो साइकेट्रिस्ट या मेडिसिन ने उन्हां दे उत्ते बहुत लंबा टाइम चले जाते हैं। सो मेरी एडवाइस तो यही है कि तुसी पहला मेडिसिन लो, डॉक्टर नूं कंसल्ट करो, जिद्दा जिद्दा थोड़े सिम्पटम्स रिड्यूस हो रहे हैं तुसी उहदे नाल रिलैक्सेशन थेरेपी ऐड करो ताकि तुसी अपने मेडिसिन नूं हौली हौली बंद कर सको। थैंक यू।